السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله اللمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما अल्ला मसलअल महमदिन महमदिन कम सल तलाब्राहिहीबरिमीद मबारक आल महमदा आल महमद कम बारक तब्राहिम वाला इब्राहिमदुमजीद इस्लामी भाइयों बुज़र्गों नौजवानों अज़ीज़ बच्चों और बर्दा नशीन ख़्वीन इस्लाम आज के हमारे इस दर्स का मौज़ है फ़रिश्तों की दुनिया एक तारफ़ फ़रिश्ते कौन हैं उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं और उनके हवाले से मुख्तफ़ चीज़ें जो कुरान और हदीस के अंदर मौजूद हैं इन उन बातों में से चंद बुनियादी बातें आज के इस दरस में हम आपके सामने बयान करेंगे सबसे पहले फ़रिश्तों का तारफ़ जानते हैं फ़रिश्ते हैं कौन और इन्हें किस चीज़ से अल्लाह रबालमीन ने पैदा किया तो देखें फरिश्ते के लिए कुरान और हदीस के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है मालाकुन मीम पर ज़बर और लाम पर भी ज़बर मालाकुन और इसकी जमा है मलाइका मालाकुन इसकी जमा मलाइका बहुत सारे मकामात पर आपने बारहा सुना होगा पढ़ते भी रहते तो मालाकुन जमा मलाइका इसका मतलब होता है फ़रिश्ता अब मला से मिलता जुलता हदीस में और भी बहुत सारा जो है लफ्ज़ है बहुत सारे अल्फाज हैं जैसे एक लफ्ज़ है मुलकुन जिसका मतलब होता है बादशाह तबाह और अखल एक लफ्ज़ है इसी से मिलता जुलता मिल्क मिल्क का मतलब होता है मिल्कियत यानी आप किसी चीज़ के मालिक है तो कहा जाएगा अरबी में कि यह आपके मिल्क में है यानी आपकी मिल्कियत में इसी से मिलता जुलता एक और लफ्ज़ है मलिक मलिक का मतलब बादशाह और अगर आप मीम के बाद अलफ लगा दें या मीम पर खड़ा जबर लगा दें तो हो जाता है मालिक मालिक ही दीन इसका मतलब होता है मालिक हाकिम तो ये इसी से मिलते जुलते मुख्तलिफ अल्फाज़ हैं बस हरकत के फ़र्क की वजह से माना दूसरा हो जाता है मलक मलिक मुल्क मिल्क मालिक ये मुख्तलिफाज हैं जो एक ही तरीके से लिखे जाते हैं बस हरकत का फ़र्क होता है और हरकत के फ़र्क से इनके मान में भी फर्क हो जाता है फरिश्ते कौन हैं फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे हैं जैसे हम इंसान अल्लाह के बंदे हैं फरिश्ते अल्लाह की एक मखलूक़ हैं जैसे हम इंसान अल्लाह की बहुत सारी मखलूक में से एक मखलूक है फरिश्तों को अल्लाह ने किससे पैदा किया नूर से फरिश्तों को अल्लाह ने नूर से पैदा किया जैसा कि सही मुस्लिम के हदीस हदीस नंबर दो हज़ार नौ सौ छियानवे प्यारे रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुली कतिल मला एक नूरिन फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया गया जिन्नातों को आग से पैदा किया गया और इंसानों को मिट्टी से पैदा किया गया इस हदीस के अंदर प्यारे रसूल वसल्लम ने फरिश्तों के ताल्लुक से कहा कि फ़रिश्ते नूर से पैदा किए गए अब वो कौन सा नूर है किस तरीके का नूर है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नहीं बयान किया जितना बयान किया बस हमें उतना मानना है उतना ही जानना है कि फरिश्ते नूर से पैदा किए गए दूसरी बात फरिश्तों पर ईमान रखना जरूरी है और फरिश्तों पर ईमान ये अरकान ईमान में से एक रुकन है ईमान के छः अरकान हैं उनमें से एक रुकन ये है कि हमारा ईमान फरिश्तों पर हो जैसा कि सूर्य बकरा की आयत नंबर एक सौ सतहत्तर में अल्लाबालमी ने जिक्र किया है कि नक दरअसल ये है कि इंसान अल्लाह पर ईमान ले आए क़यामत पर ईमान ले आए फ़रिश्तों पर ईमान ले आए किताबों पर ईमान ले आए नबियों पर ईमान ले आए यह अल्लाह ने सहित के अंदर बयान किया और वो मशहूर हदीस जो हदीस जबरील है सही बुखारी के 4777 की हदीस है चार हज़ार सात सौ सतहत्तर नंबर की हदीस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा जबरील अमीन आसलाम ने मल ईमान ईमान क्या है तो आपने क्या कहा अन बिल्लाही व मलाइकत व वतुबी व रसूली ही यौमिल आखिर वल वल़द खैरिही व शर्री कहा ईमान यह है कि तुम ईमान ले आओ अल्लाह पर उसके फरिश्तों पर उसकी किताबों पर उसके नबियों पर क़यामत पर, पर और तकदीर के अच्छी बुरी होने पर तो ये ईमान के छह अरकान जो से एक रुकन है फरिश्तों पर ईमान लाना फरिश्ते मौजूद हैं इस पर ईमान होना चाहिए। फरिश्तों के दरमियान मरातब हैं लेवल्स हैं जैसे नबियों के दरमियान हैं, ऐसे फरिश्तों के दरमियान भी हैं। फरिश्तों को अल्लाह ने मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर लगा रखा है फरिश्तों से अल्लाह मुख्तलिफ काम लेता है उन सारी बातों पर ईमान रखना है फरिश्तों के ताल्लुक से जो कुरान और हदीस के अंदर अल्लाह और उसके रसूल वसल्लम ने बयान किए अगर कोई बंदा फरिश्तों पर ईमान नहीं रखता है फरिश्तों पर ईमान नहीं लाता और यह कहता है कि मैं सबको मानता हूं लेकिन फरिश्तों को नहीं मानता क्या जरूरत है ये फरिश्ते क्यों इनकी कोई जरूरत नहीं है या फरिश्तों का कोई वजूद नहीं है तो ऐसा बंदा ईमान वाला नहीं हो सकता ऐसा बंदा मुसलमान नहीं हो सकता आगे बढ़ेंगे फ़रिश्तों के ताल्लुक से मुख्तिस सफात हम जानेंगे जैसे हम इंसान हैं तो तख्लीकीफ़ कुछ हमारे अंदर है। जैसे हमारे पास हम चलते हैं पैर है हम जो है पकड़ते हैं हाथ है खाते हैं मुंह है देखते हैं आंख है और इसी तरीके से और मख्तल काम मुख्तलिफ़ चीज़ें हम करते हैं हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐसे ही फरिश्तों के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं एक चीज ये है कि फरिश्ते पर वाले हैं फरिश्तों के पास पर है हम इंसानों के पास नहीं है फरिश्तों के पास पर है अल्लाह ने सूरह फातिर की आयत नंबर एक में जो पहली आयत जो मैंने खुतबे के बाद पढ़ा अल्लाह कहते ही फातिर वल अर्द, तमाम तारीफ उस के लिए जो आसमानों जमीन का पैदा करने वाला है मलाइका और जो फरिश्तों को बनाने वाला क्या रसूलन पैगंबर, कासिद पैगाम लेकर के जाने वाला और ये फरिश्ते कौन से हैं उली उजन परों वाले हैं किसी के पास दो पर हैं किसी के पास तीन पर हैं किसी के पास चार पर हैं और जबरीलेमीन आ सलातम के तल्लु से अब्दुल्ला बिन मसरूद रज़ी अल्लान फरमाते सई बुखारी के हदीस हदीस नंबर चार हज़ार आठ सौ सत्तावन फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लाह ने जिबरील को देखा लहू थे, थे। फरिश्ते वाले हैं अल्लाह ने फरिश्तों को पर दे रखा है अब उससे वो क्या काम लेते हैं अल्लाह आलम उसकी तफसील हदीस के अंदर नहीं है फरिश्ते बहुत खूबसूरत है बहुत खूबसूरत है अल्लाह ने इंसानों के तल्लु से कहा लक़त खलकन इंसान अफ़ी अहसनी तकवी शुर के अंदर हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में पैदा किया इंसान जो है मुख्तलिफ लोग अशरफुलमखलूक़ात कहते हैं इसको इंसान भी बहुत खूबसूरत हैं और सबसे खूबसूरत हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन हम इंसानों के ये तसुर है कि इंसान से ज़्यादा खूबसूरत फरिश्ते हैं फरिश्ते बहुत खूबसूरत है कोई शक नहीं लेकिन हम इंसानों के यहाँ या बहुत सारे लोगों के यहाँ ये है कि फ़रिश्ते इंसानों से ज़्यादा खूबसूरत हैं इसीलिए वो सूर्य यूसुफ़ आप देखें आयतम्बर थर्टी वन में जो अल्लाह ने जिक्र किया है कि जब अजीज़ मिस्र की बीवी ने यूसुफ यूसफलातलाम को जना पर उभारा और ये सब कुछ जो है उस इलाक़े में उस शहर में फैल गया तो कुछ औरतों ने कहा कि इस अजीज़ मिस्र की बीवी को यही गुलाम मिला था कि उसके ऊपर वो आशिक़ हो गई ऐसा क्या देखा उसके अंदर तो अजीज मिस्र की बीवी ने इन औरतों को बताने के लिए कि यह बंदा ऐसा है कि इसको बस देखते रह जाओ देखते रह इतना खूबसूरत है इतना खूबसूरत है तो देखते ही रह जाओ तो उसने एक प्लान किया सारी औरतों को दावत दी यूसुफ सलात सलाम भी वहीं थे सारी औरतों के हाथ में फल दे दिया छुरी दे दी और फिर उसके बाद यूसुफलात सलाम से कहा कि तुम भी आ जाओ यूसुफ़ अली व सलाम जब आए फल रई नकबर नकुल्ना हाशली महादा बशरा जब उन औरतों ने देखा यूसुफ अली व सलाम को पहले भी देख चुकी थी लेकिन चूंकि माहौल ऐसा बन गया था इसलिए जब यूसुफ अली सलात सलाम को उन लोगों ने देखा तो जहाँ छुरी फल पर चलनी चाहिए थी वहीं छुरी से उन्होंने अपने हाथों की उंगलियां काट ली और क्या कहा ताज्जुब के साथ महाजा बशारा ये इंसान नहीं हो सकता इतना खूबसूरत इंसान होता ये इंसान नहीं हो सकता इनहाजाला इल्ला कुन करीम ये तो कोई मुआजस फरिश्ता लगता है यानी ये इंसान नहीं तो इससे आप तस्वुर करें कि फरिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं और इंसानों के यहाँ फरिश्तों के ताल्लुक से ये तस्वर है कि फरिश्ते इंसानों से ज़्यादा इसलिए हम किसी को खूबसूरत देखते हैं तो क्या कहते हैं बिल्कुल जो है औरतों के लड़कियों के ताल्लुक से हम कहते हैं कि परी लग रही है परी का तस्वूर भी हम अभी बयान करेंगे इंशाल्लाह शाह तो कहते हैं परी लग रही है तो मुराद वही होता है कि एंजल इसीलिए देखें आप जिसको एंजल बतलाना हो आप देखें वीडियोस वगैरह में भी दिखाते हैं बिल्कुल उसको एकदम फरिश्ता बना करके इसीलिए उसको एंजल कहते हैं खूबसूरत होता है तो ये तसवर है कि फ़रिश्ते जो है इंसानों से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं जबकि ये तसवुर ग़लत है फ़रिश्तों से ज़्यादा खूबसूरत इंसान है और इंसानों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हमारे प्यारे रसूल अलैहि वम थे और प्यारे नबी सूसुफ्लासलम के तल्ल से कहा था जब मुलाकात हुई थी महाराज के सफ़र में कहा मैंने देखा तो इतने ख़ूबसूरत थे ऐसा लगा कि दुनिया का आधा हसन उनको दे दिया गया दुनिया का आधा उस्म उनको दे देगा तो बहुत खूबसूरत है यूसफलात लेकिन फरिश्ते भी बहुत खूबसूरत हैं। ये उनकी सिफात में से एक सिफत है इसी तरीके से फरिश्ते क्या क्या काम करते हैं तो देखें फरिश्ते हर वक्त अल्लाह की तस्वीर बयान करते हैं उसकी तारीफ बयान करते हैं सूरत शूरा की आयत नंबर पांच में अल्लाह ने जिक्र किया फरिश्ते अपने रब की तारीफ के साथ उसकी तस्वीर बयान करते हैं यह फरिश्तों का काम है हम वक्त हर वक्त अल्लाह की वो तारीफ बयान करते हैं तस्बीह बयान करते हैं उसकी बड़ाई और बुजुर्गी में लगे रहते हैं इसी तरीके से एक और चीज़ क्या फरिश्ते खाते पीते भी हैं फरिश्तों को खाने पीने की हाजत नहीं होती और इस सिलसिले में मशहूर वाकया है कि कुछ फरिश्तों को अल्लाह ने इंसानी शक्ल में हज़रत इब्राहीम सलाम के यहां भेजा जिसको अल्लाह ने सूरतजारियात में भी जिक्र किया है आयत नंबर चौबीस से अट्ठाईस तो तक और इसी तरीके से सूर्य हूद वगैरह में भी जिक्र किया जब ये फ़रिश्ते इंसानी शक्ल में इब्राहीम सलाम के पास आए और सलाम किया इब्राहीमलात सलाम से उन लोगों ने सलाम किया तो इब्राहीम सलाम ने जवाब दिया और फिर फटाफट गए इब्राहिम सलाम बड़े मेहमान नवाज़ थे कोई घर आ गया तो बड़ी अच्छी जियाफ़त करते थे उसके आने जाने वालों का ख्याल रखते थे गए एक बछड़ा ज़बा किया और पका वका करके घर में पकवाया और उसके बाद ला कर के मेहमानों के सामने रख दिया फराग इला अहली फ़जा अब इजलिन समीन तो मेहमान आए तो ये नहीं पूछना चाहिए कि ठंडा चाहिए कि गर्म चाहिए दोनों ला कर के रख दें इब्राहिम इब्राहिस्लाम ने नहीं पूछा कि आप लोग क्या खाएंगे बकरी खाएंगे कि बछड़ा खाएंगे गए एक बछड़ा जबा किया और ला कर के उनके सामने रख दिया फ़रा इलाज फख्र रबिम उनके तरफ करीब किया फ़क लाताकुल ला थोड़ी देर गुजरी तो देखा खा ही नहीं रहे लोग खा खाते नहीं हो क्या फ़ाऊ जमिनीफा इब्राहिम सलाम डर गए समझ गए भाई नबी थे रसूल थे बड़े पैगंबर. थे समझ गए कि कुछ ना कुछ खतरा वाला मामला है फ़ाऊ जमन खीफा डर गए खाल तखफ़ तो फरिश्तों ने कहा जो इंसानी शक्ल में थे डरिए नहीं और सुरहुद में तफसी है उन्होंने कहा इन्ना इला कौम लूत। कि हम कौम लूत की तरफ दरअसल भेजे गए लेकिन आपके पास भी एक वजह से आए हैं वो बस एक बच्चे की खुशखबरी सुनाई तो वहीं पर मौजूद थी कौन सारा वो अलह सला खड़ी थी तब देखा कि एक बच्चे की खुशखबरी हमें मिल रही फ़गा तो हंसने लगी शरनाहा भी इस हाँ। तो अल्लाह कहते हैं हमने इसहाक की खुशखबरी दी कि आपके यहाँ इसहाक पैदा होंगे यानी इस्माइल तो पैदा हो चुके थे लेकिन इसहाक पैदा होंगे कालत। तो सारा सलाम ने कि, दुआ बाली शेखा। कि अफसोस इस उम्र में हमारे यहाँ होगी तो बड़ी अजीब और गरीब बात है समाज के हवाले से इंसानी जहन के अतबार से इस उम्र में हमारे यहाँ बच्चे की पैदाश होगी बूढ़ी हो चुकी हूँ और ये मेरा शोहर बूढ़ा हो चुका है ये तो बड़ी अजीब गरीब बात है

फरिश्ते बहुत से नेक काम करने वालों के लिए दुआएं करते हैं बहुत से नेक काम करने वालों के लिए दुआएं करते हैं और इस हवाले से किसी दिन मैंने यहीं पर दर्श में बयान किया था फरिश्ते किन के लिए दुआएं करते हैं नंबर एक पहली सफ़ों में नमाज़ पढ़ने वालों के लिए दुआएं करते हैं फरिश्ते पहली सफ़ों में नमाज पढ़ने वालों के लिए इसी तरीके से जो एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करते हैं उनके लिए फरिश्ते दुआएं करते हैं जो नमाज के बाद अपनी उसी जगह पर जहां उन्होंने नमाज पढ़ी है वहीं पर बैठ करके अजकार करते ऐसे लोगों के लिए फरिश्ते दुआएं करते हैं शहरी करने वालों के लिए फरिश्ते दुआएं करते हैं और बीमार की इयादत करने वालों के लिए फरिश्ते दुआएं करते हैं इल्म सीखने और सिखाने वालों के लिए फरिश्ते दुआएं करते हैं और जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं फरिश्ते ऐसे लोगों के लिए दुआएं करते हैं तो मुख्तलिफ तरह के ये लोग हैं सात आठ टाइप के लोग जिनके लिए फरिश्ते बाकायदा स्पेशल तरीके से उनके लिए दुआ करते हैं और ऐसे लोगों के लिए खसूसी दुआ अल्लाह के फरिश्ते करते हैं आगे बढ़ेंगे फरिश्ते बहुत बाज्ज्जत और बेहतरीन लोग हैं बड़े बाज्ज्जत अल्लाह ने उनकी इज्जत का तस्करा कहा कि क्या बार अबसा में अल्लाह ने कहा नंबर पंद्रह सोलह में बेदी सफारा खिराम बारा कि फरिश्ते बड़े मुआज़ज हैं बड़े नेक और जो बंदा कुरान पढ़ने में माहिर हो कुरान जो है पढ़ता रहता हो कुरान से उसका ताल्लुक हो तो हदीस के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने बयान किया सही मुस्लिम की सात सौ अट्ठानवे नंबर की फरमा अल माहिर किरामिल बार कि माहिर कुरान जो है वो क़यामत के दिन बुजुर्ग मुअज्जज मुकर्रम नेक फरिश्तों के साथ होगा यह फरिश्तों की सिफत प्यारे रसूल अलैहि वसल्लम ने बयान की है इसी तरीके से फरिश्ते कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते सूरह तहरीम की आयत नंबर छः में जो मशहूर आयत बार बार आप सुनते हैं ईमान वालो खुानसा व अहलीकुम नारा अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ अपने घर वालों को बचाओ जिसके ईधन इंसान और पत्थर हैं अलैहा मलाइकातुन का शिदाद जिस पर बड़े सख्त गिर और ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर हैं और ये फरिश्ते ऐसे हैं ला यासून अल्लाहम कि जो अल्लाह के ऑर्डर की नाफरमानी नहीं करते मा युमरून और जो कहा जाता है वही करते हैं जो हुक्म मिला चूँ चरा कुछ भी नहीं ये ऐसा क्यों ये इस वक्त कर लूं शाम को कर लूं परसों कर लूं नर्स नहीं कुछ नहीं ऑर्डर मिल गया जबरीली अमीन आ सलाम को अल्लाह देता है पैगाम अपनी बात बताता है वो आकर के फरिश्तों के दरमियान बताते हैं और फिर वो अपने काम में लग जाते हैं जो उनको जिम्मेदारी मिली है तो फरिश्ते कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते अच्छा इसी में एक और चीज कि ये सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए फरिश्ते कभी भी उकताहट और थकावट का शिकार नहीं होते सूरत अंबिया के आयत नंबर बीस में अल्लाह ने कहा यूसफ कि ये सुबह शाम रात दिन हर वक्त अल्लाह की तस्वीर बयान करते हैं और थकते नहीं हैं उक्ताहट का शिकार नहीं होते हैं कोताही नहीं होती और जो मुस्तकिल लगे रहते हैं उसमें इनको उक्ताहट नहीं होती ये थकते नहीं हैं सूरफलत जिसे हामीम सजदा भी कहा जाता है आयत नंबर थर्टी एट में अल्लाह ने बयान किया फ़िन इस्तकबरु फ़ीना इंद और का कि अगर ये इंसान तकबर करें इंसान नाफरमानी कर जाए अल्लाह की तो अल्लाह के पास ऐसे लोग हैं यूसफ नहार जो अल्लाह आलमीन की तस्बीह बयान करते हैं वो हम ला अमून और थकते नहीं हैं तो फरिश्ते कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते और फरिश्ते कभी भी थकावट और उकताहट का शिकार नहीं होते फरिश्ते हमेशा पाक रहते हैं कभी नापाक नहीं होते हो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती उनको हमेशा पाक रहते हैं इसीलिए अल्लाह ने उनका नाम ही कुरान में मुतहरून कहा ला या मुतहरून। सूरत वाकिया की आयत नंबर सेवेंटी नाइन है अल्लाह ने कहा इसको सिर्फ और सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं वहां पर मुराद फरिश्ते हैं जैसा कि मुफसरीन ने लिखा एक और बात जैसे हम इंसान ना बसा औकात कोई काम करने से शर्माते हैं कोई गंदी चीज करने से हमारे अंदर हया आती है कि नहीं ये काम नहीं ये इंसानों के करने का काम नहीं ऐसे ही फरिश्तों की भी एक सिफत है कि फरिश्तों को भी हया और आती है ऐसी चीजों से या इस तरीके की चीजों से सही मुस्लिम के हदीस हदीस नंबर दो हजार चार सौ एक अब माइशा रदील्हु फरमाती हैं कि एक मरतबा प्यारे नबी सल्ला वसम मेरे पास मेरे घर में मेरे उजरे में बैठे हुए थे और आपने जो इजार जो तहबंद पहन रखा था वो आपकी पिंडली से थोड़ा ऊपर था या आपके घुटने से थोड़ा ऊपर था रान के ऊपर था रावी को शक है कि पिंडली से ऊपर था या घुटने से ऊपर था रान पर वो इज़हार था या कहाँ था बहरहाल आपका इज़ार ऊपर था कहते हैं कि इसी दौरान मेरे वालिद वालि अबूबकर सद्दीक रजियन आए उन्होंने इजाज़त मांगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी वो आए उन्होंने बात किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बात की थोड़ी देर के बाद उमर रजी अल्लाह तु आए इजाज़त मिली अंदर आए बातचीत किया थोड़ी देर के बाद उस्मान गनी आए और जब वो आए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पोजिशन बदल दी बैठ गए अपना इजहार दुरुस्त कर लिया और उस्मानी रजी ने इजाजत ली आप सल्ला ने इजाजत दी बातचीत हुई मामला खत्म हो गया सारे लोग अपने अपने घर चले गए अब मायशा रजी अल्लाह तलााना कहती है सबके चले जाने के बाद मैंने पूछा अला के रसूल सल्ला अबू बकर आए आप वैसे ही रहे बातचीत की आपने अच्छे से उमर आए रजी अल्ला उनको इजाजत दी ऐसे ही रहे बातचीत की चले गए आपने अपनी पोजीशन बदल दी क्या वजह है प्यारे नबी अलैहि ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया जिसमें स्स्मानी रविता की फजीलत है आला मिन मिन मैं उस इंसान से हया क्यों ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं मैं उस इंसान से हया क्यों ना करूं प्यारे नबी वसल्लम ऐसी पोजीशन में नहीं थे कि जो हराम था लेकिन उस्मान गनी का ये मकाम की प्यारे नबी हुजरे में जब दाखिल हुए तो आप सल्ला ने उनके अहतराम में उनकी इस सिफत का ख्याल करते हुए अपनी पोजीशन बदल दी और कहा क्या मैं उस बंदे से शर्म क्यों ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया और शर्म करते हैं इस हदीस से ये बात मालूम होती है कि फरिश्ते भी हया वाले हैं फरिश्ते भी शर्म करते हैं फरिश्तों के यहाँ यह सिफत मौजूद है इसी तरीके से फरिश्ते भी मकरूह चीज़ों को और नापसंदीदा चीज़ों को जैसे हम नापसंद करते हैं वैसे फरिश्ते भी नापसंद करते हैं जैसे कोई गंदी चीज़ है बुरी चीज़ है बदबूदार चीज़ है जैसे हम उसको नापसंद करते हैं ऐसे फरिश्ते भी नापसंद करते हैं वो मशहूर हदीस है सही मुस्लिम की पाँच हजार एक सौ चार नंबर की प्यारे नबी अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो कच्ची प्याज खाए कच्चा लहसुन खाए वो हमसे अलग रहे या हमारी मस्जिद से अलग रहे, से अलग रहे क्यों फ्न मलाता तम यू बनु आदम क्योंकि फरिश्तों को भी उस चीज से तकलीफ होती है जिससे इंसान को तकलीफ होती है उसकी बू से जैसे हम इंसान कराहिएत करते हैं नापसंद करते हैं किसी के मुँह से प्याज की बदबू आ रही हो लहसन की बदबू आ रही हो जैसे हम नापसंद करते हैं ऐसे फरिश्ते भी उसको नापसंद करते हैं और मस्जिद में फरिश्ते होते हैं लिहाजा अगर कच्ची प्याज खा रखा है कच्चा लहसन खा रखा है तो मस्जिद में मत आओ हमारी जमात से अलग रहो और हम सोचें एक हलाल चीज जिसको आप बार बार सुनते हैं कि जब कच्ची हो आप खा करके मस्जिद में नहीं आ सकते तो सिगरेट तंबाकू गोवा गुटखा खा करके इससे आप इंसानों को भी तकलीफ देते हैं इससे फरिश्तों को भी तकलीफ देते हैं अगला सवाल है फरिश्तों की तादाद कितनी है कितनी तादाद है फरिश्तों की किसी को नहीं मालूम किसी को भी नहीं मालूम है अल्लाह आलमीन को इस तल्लु से हकीकी इल्म है कि फरिश्तों की तादाद कितनी है सूरतम की आयत नंबर थर्टी वन में अल्लाह ने बयान कियाब के लश्करों को आपके रब के सिवा कोई और नहीं जानता उनकी तादाद कितनी है कौन कौन सा अल्लाह का लश्कर है अल्लाह के लश्कर में कौन कौन शामिल है सिर्फ अल्लाह को मालूम है अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता लेकिन कुछ ऐसी अहादीस हैं जिनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फरिश्तों की तादाद कितनी हो सकती है तीन हदीसें मैं आपके सामने रखता हूं पहली हदीस है जो सही बुखारी की हदीस है दो सौ सात और सही मुस्लिम की हदीस नंबर एक सौ बासठ अलैहि वसल्लम जब महराज के सफर में गए तो वहां आपने पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवां आसमान आपने देखा जियारत की नबियों से मुलाकात की सातवें आसमान पर किससे मुलाकात हुई आपकी किसे इब्राहिम से सातवें आसमान पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और आप वसल्लम ने उनको देखा कि वो बैत मामूर का टेक लगा करके बैठे हैं अब बैत मामूर क्या है जी बैत मामूर जैसे दुनिया में खाने काबा है ऐसे ही आसमान में बैठे मामूर हैं और जो हैसियत दुनिया में खाने क़बा की है वही हैसियत आसमान में बैठे मामूर की वही हैसियत आसमान में बैठे मामूर की है, है। फरिश्ते उसका तवाफ़ करते हैं वहाँ पर इबादत करते हैं और उसी हदीस के अंदर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि रोज़ाना फैदा हुआ यद खुल्लाउमिन सबरूना अल्फा मालकिन रोज़ आना सत्तर हजार फरिश्ते उसमें दाखिल होते हैं ला यऊदूना ना और फिर कयामत तक इनकी दोबारा बारी नहीं आएगी रोजाना सत्तर हजार फरिश्ते आप एक साल का सिर्फ हिसाब लगाएं तो ये तादाद करोड़ों और अरबों में पहुँच जाती है और कयामत तक ये चौदह सौ साल पहले नबी अलैहि वसल्लम ने बयान किया चौदह सौ साल गुजर गए मजीद कितने सौ साल आगे गुजरेंगे अल्लाम रोजाना सत्तर हजार फरिश्ते दोबारा कयामत तक उन सत्तर हजार फरिश्तों की बारी नहीं आने वाली है इससे हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं एक और हदीस जो सिलसिलसी सियाह के अंदर हदीस नंबर आठ सौ बावन प्यारे नबी वसल्लम ने एक दिन साहबा की मजलिस में बयान किया आतसमाऊ ना मास्माऊ मेरे साहबा बताओ क्या तुम वो आवाज़ सुन रहे हो जो मैं सुन रहा हूं तो साहबा ने कहा मा मिन मानसमाशीन नहीं हमें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी ला फरमायासम कहा मैं आसमान के चरचराने की आवाज सुन रहा हूं आसमान में चरचराहट है जैसा हम कोई ऐसी लकड़ी हो जो गिरने वाली हो खराब हो हम उस पर चढ़ जाएं तो उससे आवाज आती है चरचराने की गोया कि अब फट जाएगा या गिर जाएगा या जो कुछ भी तो ऐसे ही आसमान से चरचराहट की आवाज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं सुन रहा हूं और वमाफीहा मौजिब प्यार रसूल सल्ला फरमाते हैं कि आसमान में एक बालिश जगह भी खाली ऐसी नहीं है अलकुन साजिद मगर हर जगह कोई ना कोई फरिश्ता या सजदे में है या क्याम की हालत में एक बालिश जगह भी पूरे आसमान में कहीं ऐसी खाली नहीं है कि वहां कोई ना कोई फरिश्ता मौजूद हो एक बालिश छः इंच सात इंच आठ इंच नौ इंच एक फिट आप मान लें एक फिट की भी जगह आसमान में खाली नहीं है कि वहां कोई ना कोई फरिश्ता मौजूद ना हो सजदे की हालत में क्या की हालत में अल्लाह की इबादत कर इससे अंदाजा इतना बड़ा आसमान जो पूरी दुनिया पर फैला हुआ है जिसकी जो है सात सात आसमान है सातों आसमान पर बालिश्त के बराबर एक हाथ से भी कम एक हाथ एक दो बालिश तो जाता है एक हाथ में एक हाथ में दो बालिश तो जाता है तो आधे हाथ के बराबर भी जमीन में कोई जगह खाली नहीं है कि वहां कोई ना कोई फरिश्ता मौजूद ना हो अंदाजा लगाएं इससे कि फरिश्तों की तादाद कितनी है इसी तरीके से एक और हदीस सही मुस्लिम की हदीस नंबर दो हजार आठ सौ बयालीस टू एट फोर टू प्यारे नबी ने फरमाया, के दिन जहन्नम को लाया जाएगा और जहन्नम जब लाई जाएगी तो जहन्नम के सत्तर हजार लगाम होंगे अपनी जबान में समझने के लिए कह लें कि सत्तर हजार रस्सियां बदी हुई होंगी जहन्नम के खींच कर लाने के लिए मा मलकिन। और हर एक जिमाम, हर एक एक ज़िमाम रस्सी के साथ सत्तर हजार फरिश्ते होंगे अब सत्तर हजार को सत्तर हजार से मल्टीपल करें जरब करें तादाद कहां तक जाती है चार अरब नब्बे करोड़ चार सौ नब्बे करोड़ फरिश्ते सिर्फ इसलिए हैं कि वो जाननम को घसीट करके लेकर के आएंगे चार अरब नब्बे करोड़ फरिश्ते हम सिर्फ अंदाजा लगाएं कि फरिश्तों की तादाद कितनी हो सकती है यह चंद नमूने के तौर पर हदीसें मैंने आपके सामने रखी कि जिससे हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि फरिश्ते अनगिनत हैं इतने हैं कि इंसानों के बस की बात नहीं है कि उनको शुमार कर सके हमारा कैलकुलेटर खत्म हो जाएगा गिनतियां खत्म हो जाएंगी लेकिन फरिश्तों की तादाद नहीं खत्म होगी ये तो बात हुई फरिश्तों के हवाले से उनकी तादाद कितनी है अगला सवाल फरिश्तों के नाम क्या हैं तो देखें फरिश्तों की तादाद कितनी है नहीं मालूम जब तादाद नहीं मालूम तो नाम कैसे मालूम हो सकते लेकिन कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनके नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान किए एक फ़रिश्ते हैं कौन जबरील अल्लात फ़रिश्तों के सरदार हैं इनका नाम जिब्रील है अमीन इनका लकब है रूहुल कुदस इनका लकब है और रूहुल अमीन अल्लाह ने इनको कहा तनजलॉलमलातु और रूहु. और एक जगह सूर सूरत शरा में अल्लाह ने कहा नज़ला अला बिहर अमीन तो मुख्तलिफ़ नामों से ये जाने जाते हैं ये फरिश्तों के सरदार हैं अल्लाह को कोई पैगाम कोई बात बतलाना होती है तो सबसे पहले जबरील अमीन अली सलासम को बताते हैं और फिर वो जबरील जाकर के फरिश्तों को बताते हैं ऐसे ही जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जबरील को बताता है जबरील उससे मोहब्बत करते हैं जबरील जाकर के फरिश्तों के दरमियान ऐलान करते हैं फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं और फिर उस बंदे की मोहब्बत को ज़मीन वालों के दरमियान फैला दिया जाता है हमारे शेख अमामा उजैर शम्स रही का इंतकाल हुआ देखें कई दिन हो गए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आज भी ताज़ियत करने वाले उनके ताल्लुक़ से बोलने वाले लिखने वाले मुसलसल लिखे जा रहे हैं कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो उनकी शख्सियत पर उनकी ज़ात पर सवालिया निशान खड़ा करता हो ये शेख रही की मकबूलीत उनकी मोहब्बत की दलील है ज़बान ख़ल्क को ए खुदा समझो ज़मीन वाले तमाम लोग जिससे मोहब्बत करने लग जाएँ समझ जाएँ कि आसमान वाला भी उस इंसान से मोहब्बत करता है तो ये जबरील अमीन अलीसलातम है और इनके जिम्मे क्या काम है पहले नबियों के पास रसूलों के पास वही ले करके आते थे आज भी मुख्तलि जरूरतों के हवाले से जमीन पर आते हैं मुख्तलिफ मौक़ों से आते हैं जैसा कि शब कद्रे जबरील अमीन अलीसलातम फरिश्तों के साथ दुनिया में हाजिर होते हैं दूसरे फरिश्ते हैं मीकाईल मीकाईल इनके जिम्मे क्या काम है बारिश का बारिश का और बादलों का जो सिस्टम है निजाम है और बारिश कहां बरसेगी कहां नहीं ये सारा निजाम सिस्टम इनके हाथ में जो अल्लाह के हुक्म से ये अंजाम दिया करते हैं तीसरे फरिश्ते इसराफी इनके जिम्मे क्या काम है सूर फूंकने का बिल्कुल तैयार हैं अल्लाह की तरफ से जैसे ऑर्डर आएगा सूर में फूंक मारेंगे सारे लोग मर जाएंगे फिर एक लंबी मुद्दत गुजरेगी दोबारा ऑर्डर मिलेगा फिर से सूर में फूंक मारेंगे तमाम लोग जिंदा होकर के रब की तरफ भाग खड़े होंगे ये इसराफी अलैहि है और इन तीनों फरिश्तों का नाम एक ही जगह दो का तो कुरान में आया हुआ है तीसरे का नाम तीनों का एक साथ सही मुस्लिम के हदीस नंबर सात सौ सत्तर में एक दुआ के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है एक चौथे फरिश्ते हैं जिनका नाम क्या लिया जाता है इसराइल इसराइल नाम का कोई फरिश्ता नहीं है इसराइल नाम का कोई फरिश्ता नहीं है इसराइल किसी फरिश्ते का नाम नहीं है। इसराइल किसको बोलते हैं मलकुल मौत को जो रूह निकालते हैं उनका नाम लोगों ने शायद इसी वजन पर जबरील मिकाइल इसराफिल तो इनका नाम इसराइल रख देते हैं कहीं भी यह बयान नहीं हुआ है उनको मलकुल मौत अल्लाह ने कहा सूरत की आयत नंबर ग्यारह में मौत जो आप हर जुमा को फजर की नमाज में सुनते हैं कह दीजिए कि तुम्हें वफात देगा कौन मलकुल मौत जो तुम्हारे ऊपर मुक्र किया गया है तो ये चौथा फरिश्ता पांचवा फरिश्ता जहन्नम का दारोगा क्या नाम है मालिक सूरत जुखरुफ की आयत नंबर सेवेंटी सेवन में अल्लाह ने कहा वना दो मालिक वलैना रबुक कि जब जहनमी जहन्नम में चले जाएंगे और परेशान होंगे अजाब में और मुख्तलिफ तरह की वो परेशानियों में घिरे हुए होंगे तो जहन्नम के दारोगे मालिक को बुलाएंगे और कहेंगे मालिक लिय अलैना रबुक अपने रब से कहो कि हमें मौत ही दे दें तो जहन्नम का दारोगा मालिक अल्लाह के पास जाने के बजाय सीधा जवाब दे देगा इन नकुम माके तुम चलो पड़े रहो ही यहां से निकाला नहीं जाएगा क्योंकि मौत को भी मौत आ चुकी है अब किसी के ऊपर कोई मौत नहीं आने वाली है तुमने दुनिया में गलत किया अब यहां पर इसका अंजाम चको ये कितने फरिश्ते हो गए पांच जिबरील मिकाइल इसराफील मौत जिसे लोग इसराइल कहते हैं और मालिक जहन्नम का दारोगा सातवां और आठवां फरिश्ता मुनकर नकिर कहां आते हैं ये कब्र में सवाल करने के लिए कितने सवाल चार सवाल चार सवाल करने के लिए आते हैं और सही बुखारी के हदीस नंबर वन डबल थ्री एट में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है कि जब मैय को कब्र के हवाले कर दिया जाता है लोग वापस चले आते हैं अताहू मला तो दो फरिश्ते उसके पास आते हैं दो फरिश्ते उसके पास आते हैं और फिर उसको उठाते हैं उससे सवाल करते हैं मर रब्बू का मादीनू का मन नबी का तुम्हारा रब कौन तुम्हारा दीन क्या तुम्हारे नबी कौन और फिर जब ये मरहला मुकम्मल हो जाता तो चौथा सवाल आता है जो इनका जवाब दे देता है चौथा सवाल क्या कि तुम्हें कहाँ से पता चला लेकिन जो बंदा इन तीनों सवालों का जवाब ना दे पाए तो उससे चौथा सवाल नहीं होता क्योंकि वो यहीं पर नाकाम हो गया तो उससे फरिश्ता कहता अल्लाह तली था वल्ला दराई था तूने पढ़ा नहीं तूने जाना नहीं तूने जानने की कोशिश नहीं की इसलिए तू हा हा लादरी कह रहा है कि हाँ अफसोस मुझे नहीं मालूम जब पढ़ा ही नहीं तो मालूम कैसे होगा और जो बंदा इन तीनों सवालों का जवाब देगा तो उससे क्या चौथा सवाल होगा कहाँ से पता चलेगा तो वो क्या कहेगा मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी मैंने कुरान पढ़ा मैंने पूछा मैंने सवाल किया मैंने जाना कि हाँ इस फला फला जगह से मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में जाना मैं ईमान लिया इस वजह से मैंने इस सवाल का जवाब दिया तो मुनकर नकीर कितने फरिश्ते हो गए सात दो फरिश्ते हमारे साथ रहते हैं क्या नाम है उनका हाँ उनका अलग अलग कोई नाम नहीं है बस दोनों को अल्लाह ने सूरतुल्फितार में क्या कहा कातिबीन दोनों मुअज्जज़ हैं लिखने वाले है। एक खैर लिख रहा है और एक शर लिख रहा है बुराई लिख रहा है तो नौ फरिश्ते हो गए इनका कोई नाम नहीं आया हुआ दस और ग्यारह हारूत और मारूत कौन है ये फरिश्ते हैं किस जमाने में भेजा गया इनको सुलेमान अली सलेमानलीसलातलम के जमाने में अल्लाह ने इनको आजमाइश के इम्तिहान के तौर पर दुनिया में भेजा सुलेमान अली सलेमानलातलाम बहुत बड़े बादशाह थे उनसे बड़ा बादशाह कोई पैदा नहीं हुआ कोई बादशाह उनसे बड़ा पैदा नहीं हुआ नबी भी रसूल भी और बादशाह भी कौन कहता है कि दीन से बादशाहत अलग है अमीर माविया पर सवाल उठाते हैं लोग अगर अमीर माविया की बादशाहत पर सवाल है तो बादशाहत बाद तो तो पर सवाल क्यों नहीं है उन्होंने ऐसी मुनासिब ना हो तो जब अमीर माविया रजू की बादशाहत पर सवाल है तो सलेमान बादशाहत पर सवाल क्यों नहीं है वो नबी भी हैं रसूल भी है बादशाह बहरहाल वो दूसरी बात तो सलाम के ताल्लुक से ये अफवाह उड़ाई गई शैतानों की तरफ़ से कि ये जादू के बल पर लोगों पर हुकूमत कर रहे हैं इंसानों पर जन्नातों पर जानवरों पर परिंदों पर हवाओं पर पहाड़ों पर सब पर इनकी हुकूमत और जिसको जो ऑर्डर देते हैं वो कर जाता पहाड़ इनके साथ तस्वीर बयान करते हैं परिंदों की बोलियां ये समझते हैं जिन्नात इनके डर से काम में लगे हुए हैं इंसान इनकी ताबेदारी कर रहे हैं सब कुछ इनकी मर्ज़ी के मुताबिक चल रहा है तो ये जादू के बल पे कर रहे हैं तो अल्लाह ने क्या कहा वमा माका सुलेमान सुलेमान सलाम ने कुफ्र नहीं किया पता ये चला जादू कुफ्र है इसलिए कि अल्लाह ने नहीं कहा कि सुलेमान सलाम ने जादू नहीं सीखा ना जादू के बल पर किया बल्कि अल्लाह ने दो बात को एक ही जुमले के जरिए जवाब दे दिया कहा सुलेमान सलाम ने कुफ्र नहीं किया यानी उन्होंने जादू नहीं सीखा जादू के बल पर वो हुकूमत नहीं कर रहे थे और जादू ये कुफ्र है और अल्लाह सलाम ने कोई कुफ्र का काम नहीं किया फिर उसके बाद अल्लाह कहते हैं वमा वीला हारूत मारूत, जो वो इलाका था जिसे कुरान ने बाबिल का इलाका कहा है वहां अल्लाह ने दो फरिश्तों को उतारा हारूत और मारूत को ये फरिश्ते लोगों को जादू सिखाते थे अब आप कहेंगे कि जादू कुफ्र है, तो फरिश्ते क्यों सिखा रहे हैं फरिश्ते क्यों सिखा रहे हैं तो ये आजमाइश के तौर पर भेजे गए थे और ये किसी को भी उस वक्त तक जादू नहीं सिखाते थे जब तक कि क्लियर नहीं कर देते थे कि भाई देखो इन हम तुम्हारी आजमाइश के लिए भेजे गए फला तकफोर ये जादू सीख करके मत करो अब तुम्हारे हाथ में तुम कहोगे तो हम सिखा देंगे लेकिन फिर फिर तुम काफिर हो जाओगे फिर तुम इम्तिहान में नाकाम हो जाओगे और अगर तुम हमारी बात समझ रहे हो तो जादू मत सीखो इसलिए कि हम आजमाइश और इम्तिहान के तौर पर भेजे गए फिर वो जादू सीखते थे और कुछ नहीं सीखते थे तो फिर उसके जरिए जो वो अपना अपना काम किया करते थे बहरहाल अल्लाह ने इनको लोगों के इम्तिहान और आजमाइश के लिए इन दो फरिश्तों को हारूत और मारूत को दुनिया के अंदर भेजा और ये फरिश्ते दस और ग्यारह नंबर बारहवा फरिश्ता जिसका नाम क्या है जन्नत का दार होगा जी जी रिजवान भाई बैठे हुए हैं आपको जन्नत के दारोगा बोल भी नहीं रहे तो लेकिन सही हदीस में यह साबित नहीं बाज आसार से यह मालूम होता है कि जन्नत का जो दारोगा है उसका नाम रिजवान है लेकिन किसी सही हदीस से इस किस्म की बात साबित नहीं है तो ये कुल बारह फरिश्ते हुए जिनका नाम या उनकी सिफत आई हुई है उनके अलावा बकिया फरिश्तों के नाम वगैरह नहीं आए हुए क्या और कोई है और कोई फरिश्ता है आठ फरिश्तों का नाम आता है उनका नाम नहीं है मतलब आठ फरिश्तों के ताल्लुक से वो आता है कि वो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए उस दिन यानी क्या वाले दिन आठ फरिश्ते अल्लाह के अरश को उठाए हुए होंगे लेकिन ये कौन से आठ फरिश्ते होंगे ये कहीं पर भी इनका नाम नहीं आया कि जबरील है मिकाइल है कौन है अल्लाह आलम अगला सवाल है क्या फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं अल्लाह की कोई बेटी नहीं अल्लाह का कोई बेटा नहीं अल्लाह की कोई औलाद नहीं अल्लाह किसी का बाप नहीं लम यलिद वलम यूलद उसने किसी को नहीं जना यानी नसब के एतबार से उसने किसी को नहीं जना और ना ही वो खुद जना गया ना वो किसी का बेटा है ना वो किसी का बाप है लेकिन मुशरक़ी ने मक्का फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे वजमला इकतनाबादा सूरत जो आयत नंबर उन्नीस में अल्लाह ने कहा कि इन लोगों ने फरिश्तों को जो कि अल्लाह के बंदे हैं वो अल्लाह की बेटियां बना दिया फिर उसके बाद सूरत उस में देखें आयत नंबर एक सौ उनचास से एक सौ छप्पन में अल्लाह ने जिक्र किया है कि ये लोग इल्ज़ाम लगाते थे कि अल्लाह ने अपने लिए बेटियाँ बना रखी हैं फरिश्तों को फिर सवाल ये हुआ इनसे कि ये अल्लाह की जो बेटियाँ जिनके बारे में तुम कह रहे हो ये पैदा कहाँ से हुई तो नाउज़ बिल्ला उन लोगों ने कहा वजह वजा बई जिन्नती न सबा कि अल्लाह ने जिन्नात के सरदार जो थे उनकी बेटी से निकाह किया और अल्लाह के और उस औरत के मिलाप से जो औलाद हुई वो यही फरिश्ते हैं नाउज बिल्ला फरिश्तों को अल्लाह की बेटिया करार दे दिया जबकि अल्लाह इन सबसे पाक है इसीलिए अल्लाह ने आगे कहा सुबह अल्लाह अल्लाह की जात पाक है उन तमाम चीजों से जो ये लोग अल्लाह आलमीन के ताल्लुक से बयान करते हैं अच्छा ये इसी गलत तस्वर की बुनियाद पर हमारे अपने घरों में हमारे अपने मुल्क में परियों का तस्वूर आया हुआ है परियों का तस्वर आया इसी इसी गलत बात की वजह से हम अपने घरों में भी कहते हैं इससे पहले मैंने आदर्श भी दिया कि हम अपने घरों में अपनी बेटी को कहते हैं है। हमारी बेटी तो परी लग रही है इंसान से परी बना दिया आपने उसको जबकि परी का कोई तस्वूर नहीं है परी कोई मखलूक नहीं है लेकिन इसी से यानी फरिश्तों को फरिश्तों को सामने रख करके अच्छा फिर इससे एक बात ये भी निक, निकल जाती है कि ये लोग फरिश्तों के दरमियान मेल और फीमेल का तस्वूर भी रखते हैं इसीलिए इनको परी कह दिया और जो मेल है वो फरिश्ता है ये फरिश्ता और ये परी तो मेल फीमेल का तस्वूर भी रख दिया जबकि फरिश्तों में मेल फीमेल का कोई तस्वर नहीं है और ये परियों का जो तस्वूर आया हुआ है ये मुश्रकी के इसी अकीदे से आया हुआ है कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियाँ जो कि गलत तस्वूर है इसीलिए आप देखें सीरियल्स में ड्रामों में सारी चीज़ों में खासतौर से बच्चों के जो कार्टून होते हैं उसमें इन परियों का बाकायदा तस्वूर मौजूद है और बिल्कुल सेम वही कि भाई इनके पर होते हैं जैसा कि शुरू में मैंने कहा फरिश्तों के पर हैं तो उसी तस्वूर को सामने रख करके यहां बयान किया गया कि परियों के पर होते हैं अच्छा फिर इसमें यह कि परियों के पास जो है बड़ी गहरी ताकत होती है किसी की मदद करनी है फौरन पहुंच जाओ किसी का घर जल रहा है फौरन बुझा दो को, कहीं कोई कहीं से बुला रहा है कि परी आजा मेरी मदद करने के लिए वहां पहुंच जा रहे हैं कितने सीरियल्स ड्रामे जो है बच्चों के नाम पर चल रहे थे पहले भी चलते थे आज भी चलते पहले अलीफ लैला में आता था अल्लाह माफ फरमाए हम छोटे थे थे देखा करते थे कोई ऐसा सीरियल ड्रामा नहीं जिसमें परियों का तस्वूर ना दिखाया जाता था तो ये गलत तस्वूर और जो हमारी जबान से निकल रहा है ना कि मेरी बेटी तो परी लग रही है ये गलत जुमला आप निकाल रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपका ये जुमला उसी जाए उसी तस्वूर पर जा रहा है उसी अकीदे पर कि फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं और ऐसा करना ऐसा कहना ये जुर्म है अल्लाह की ज़ात के साथ खिलवाड़ है अल्लाह पर इल्ज़ाम लगाना है तो इस किस्म का जुमला हमें नहीं अदा करना चाहिए दो और सवाल आते हैं उसके बाद इंशाल्लाह बात खत्म करेंगे एक सवाल है कि क्या फरिश्तों को देखा जा सकता है हम इंसान फरिश्तों को नहीं देख सकते फरिश्ते इंसानी शक्ल में अल्लाह ने उनको ताकत दे रखी है इंसानी शक्ल में आ सकते हैं अल्लाह ने उनको पावर दे रखा है उनकी रफ्तार बड़ी तेज है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि ने वबरीले अमीन सलातम को दो मरतबा उनकी असली शक्ल में देखा दो मरतबा अल्लाह ने सुरे तकवीर में कहा बिल वाल मुबीन आसमान के किनारे पर उनको देखा और सूरत अल्लाह ने कहा है कि जबरील अमीन आल सलातम को प्यारे नबी सल्हलम ने देखा सिर्फ दो मर्तबा के अलावा और किसी मौके से किसी भी इंसान ने सहाबी ने किसी फरिश्ते को कोई नहीं देख सकता है जबरील अमीन अली सलातम एक सहाबी थे दहिया कलबी रजी अल्लाह तक शक्ल में आया करते थे तो सहाबा देख लिया करते थे या किसी और शक्ल में जैसे अदीस जबरील में ही है मर रद्ला वनो कहते हैं कि एक आदमी आया कि जिसको हम नहीं पहचानते थे और हमारे इलाके का लगता भी नहीं लेकिन शक्लो सूरत देख करके वो मुसाफिर भी नहीं लग रहा उसके कपड़े भी परागंदा नहीं है कि भाई मुसाफिर लगे कपड़े धूल से अटे हुए हों और आया नबी अलैहि वसल्लम के घुटने से घुटना मिला करके बैठ गया अपने दोनों हाथों को अपनी रान पर रख करके नबी से पूछता है नबी बताइए मल ईमान मल इस्लाम मल एहसान मतसा और सवाल का जब जवाब मिल जाता तो कहता है सदकता क्या आपने सही कहा सवाल भी करता है और फिर तस्दीक भी करता है और फिर सवालात करने के बाद क़्यामत की निशानियां क्या सारी चीज़ें पूछने के बाद जब चले गए वो वो इंसान चला गया और उमर रजी अल्लाह तु कहते कि एक दिन नबी अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि उमर जानते हो कि वो कौन था अल्लाह रसूल आलम नहीं पता कौन था लेकिन बड़ा अजीब था वो कि सवाल भी कर रहा है तस्दीक भी कर रहा है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो जिब्रील थे युअल्लिमुकुम दीनकुम वो तुमको तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे तो इसीलिए शरीयत में जो पूरा दीन है ना इसमें हदीस जिब्रील की बहुत अहमियत है एक बैठक में पूरा दीन जिब्रील अमीन अली सलातो सलाम ने समझा दिया पूरा दीन कयामत तक इस्लाम ईमान एहसान मजबूती के साथ पकड़े रहो गलत चीजें उनको छोड़कर रखो बुनियादी चीज़ों की अरकान जो है इस्लाम के अरकान ईमान के अरकान बुनियादी चीज़ों की हिफाजत करो इनसे कभी भी समझौता ना करो और क्यामत की निशानियां आने से मुकम्मल होने से पहले पहले अपने आप को नेक बना लो अच्छा बना लो पूरा दिन सिखा करके जबरील अमीन अलीसलातलम चले गए तो सहाबा जो है उन्होंने भी नहीं देखा जबकि उसी ज़माने में जबरील अमीन अलीसलातलम आया करते थे वही उतरती थी प्यारे रसूल सल्लाम मौजूद थे पता यह चला कि कोई इंसान फरिश्तों को नहीं देख सकता आखिरी सवाल क्या फरिश्तों को भी मौत आएगी कयामत से पहले फरिश्तों को मौत नहीं आएगी लेकिन कयामत कायम हो जाने के बाद वो फना के घाट उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे उनको मौत आएगी कि नहीं आएगी इसमें इख्तलाफ इसमें इख्तलाफ है एक गिरोह यह कहता है कि उनको मौत आएगी दलील क्या है उनकी सूर्य रहमान की आयत आयत नंबर छब्बीस सत्ताईस कुल्लुन अली कि जो भी जमीन पर है सब फना हो जाने वाले हैं सिर्फ रब की जात बाकी रहने वाली या जो भी कायनात में है। यहां तो चले एक मतलब थोड़ी खास बात लग रही है लेकिन सूरत की आखिरी आयत में जो आयत नंबर एटी एट है अल्लाह ने कहा इल्ला वजह हर चीज हलाक होने वाली है सिवाय रब की जात के तो इससे पता चला जो कहते हैं कि फरिश्तों को भी मौत आएगी उनकी दलील है जो उलमा कहते हैं कि फरिश्तों को मौत बाद में भी नहीं आएगी उनकी दलील क्या है सूरत जुमर की आयत 68 में में अल्लाह कहते हैं, कि सूर में फूक मारा जाएगा तो आसमान और जमीन के अंदर मौजूद तमाम मखलूक बेहोश हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे सिवाय उसके मनशा अल्लाह जिसको अल्लाह चाहेगा तो इससे इस्तेदलाल किया है इससे इस्तलाल किया है कि अल्लाह रब्लम जिसको चाहेगा उससे बाकी रखेगा तो इससे मुराद फ़रिश्ते हैं बहरहाल ये इसका ताल्लुक गैबियात से जिसके बारे में कोई क्लियर बात कुरान और हदीस के अंदर मौजूद नहीं है कि क्या हकीक़त में फरिश्तों को मौत आएगी या क्या फरिश्तों को मौत नहीं आएगी इस बारे में पढ़ने से हमें बचना चाहिए कि फ़रिश्तों को मौत आएगी कि नहीं आएगी ज़ाहिरन जो है कुरान और हदीस के जो नसूस हैं बतलाते हैं कि अल्लाह के सिवा सबको फ़ना के घाट उतर जाना है लेकिन फिर इसनाई दलीलें भी हैं कि जिनसे पता चलता है कि फ़रिश्तों को मौत नहीं आएगी बहरहाल इसका इल्म अल्लाह के पास है व फ़ोक अल्लाह सबसे बड़ा आलिम है उसे वो गैबियात का जानने वाला है इसीलिए ये गैब का इल्म है उसी के हवाले कर देना चाहिए तो ये चंद बातें थी जो फ़रिश्तों की सिफात उनकी दुनिया उनकी ज़िंदगी उनकी ज़ात उनकी तख्लीक के हवाले से मैंने आपके सामने रखी बातें बहुत सारी हैं लेकिन जो बातें भी कुरान और हदीस के अंदर मौजूद हैं उनमें से बुनियादी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं सिर्फ इल्म के लिए इसलिए कि फ़रिश्तों पर ईमान ये अरकान ईमान में से एक रुकन है फ़रिश्तों के बारे में हमें जानना चाहिए ताकि सही तरीक़े से मुकम्मल तौर पर हमारा ईमान उन पर सही हो दुरुस्त हो और हम उनके ताल्लुक़ से किसी गलत अकीदे के या किसी गलत बात में हम अपने आप को मुब्तला ना कर लें इसी मकसद के पेश नज़र फ़रिश्तों के ताल्लुक से ये चंद बातें आपके सामने रखी गई अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह हम सभी को ईमान के जो अरकान हैं इस्लाम के जो अरकान हैं उनको तस्लीम करें और उनकी हफात करने की अल्लाह तोफ़ी ख़तः फ़रमाए मोलाए करीम हमें अपने अकायद के हफ़ाजत करने की तोफ़ी توفیق دے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے خاتمہ تو خاتمہ ہو اللہ تعالی على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته